वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पीबीआर स्टडी में। आज इस दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बचे हुए फुल फॉर्म के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक बात कर लिया था कि कंप्यूटर को बंद करने को शट डाउन और चालू करने को बूट अप बोलते हैं, है ना। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, ये सब आप लोगों ने देख लिया था। मॉनिटर का अन्य नाम बीडीयू भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए मॉनिटर के बारे में, यानी कि जिस पर आप स्क्रीन पर सब कुछ देखते हो, तो उसे आप VDU भी बोल सकते हो, मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जा सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें अगला, तो चुंबक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, आपने देख लिया था, और बाइनरी नंबर भी देख लिया था। उसके आगे भी देख लीजिएगा फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है, तो आपसे पूछा जाता है अक्सर। फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है वो 3.25 तथा 5.25 के लगभग में होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन तथा संपर्क तोड़ने को लॉगआउट कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक यूज करते हो तो कहते हैं हमने फेसबुक पर लॉगिन किया है ना। अगर आपको कहीं ईमेल भेजना होता है तो आपको अपना ईमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, मतलब कि उसको इंटरनेट से जोड़ना पड़ता है। उसके बाद जब आप उसे लॉगआउट कर देते हो, मतलब उसको आप क्या कर दिए, इंटरनेट से उसका कनेक्शन तोड़ दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची अभी हम आपको दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना और पूरा देखना, भागना मत। प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनू कहा जाता है। आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा मेनू, है ना, खाने में भी देखा होगा मेनू। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम की सूची होती है उसे मेनू कहा जाता है, जिसमें आप देखे होंगे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला वगैरह, ढेर सारे उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं आपके अलग अलग, तो वो सभी कहाँ दिखते हैं, मेनू में दिखते हैं, ठीक है। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम जानते हैं क्या होता है, मॉडेम मॉडेम भाई जो आप वाईफाई वगैरह का सुविधा प्राप्त करते हैं मॉडेम से, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। कंप्यूटर की डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर डंप मतलब कंप्यूटर कभी कभी आप देखते होंगे वर्क नहीं करता है, जो मर्जी वही करने लगता है अपने आप, तो उसका रीजन क्या होता है, वायरस होता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो ये प्रक्रिया होने लगती है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। अगर कंप्यूटर का भौतिक बनावट देखें तो उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर मतलब जिसे आप अपने हाथ से छू सकते हो, जैसे आपने खूब डिजाइनदार टेबल बनवा लिया कंप्यूटर के लिए, उस पर रखने के लिए बहुत अच्छा सा टेबल बना के रख रहे हो कंप्यूटर को उसके ऊपर, तो क्या है, वो हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर का जो आपका डिस्प्ले दिख रहा है ऊपर से, वो ब्लैक कलर है, रेड कलर है, किस कलर है, वो क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन उसमें जो मोजिला फायरफॉक्स या फिर आप गूगल क्रोम वगैरह प्रयोग करते हो, वो क्या है, वो फायरफॉक्स वगैरह क्या है, वो हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। उसे आप पकड़ नहीं सकते हो कि आपने मोजिला को पकड़ लिया, काम नहीं करेगा, ठीक ना। जिसे आप छू सकते हो वो हार्डवेयर होता है, जिसे आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। उसके आगे अगर बात करें RPM की, तो RPM मतलब ये एक प्रकार से गति नापी जाती है, डिस्क की गति नापी जाती है। किस में नापी जाती है, डिस्क की गति जो है वो RPM में नापी जाती है। RPM मतलब जानते हो, रफ्तार पर मिनट, ऐसे कुछ होता है। आगे देखिएगा, बिट बाइट और किलो बाइट और मेगा बाइट और गीगा बाइट, इसके बारे में ज़रा ध्यान से देखना। एक बिट में 8 बाइट होता है, यानी कि अब आप यही समझ लो कि सबसे छोटा बाइट होता है। आप अपने फ़ोन में देख लिए होंगे, अक्सर देखते होंगे, अगर आपने एक MP3 का सॉन्ग रखा है तो आपने देखा होगा 5 MB का है, तो 5 MB का है मतलब उसकी साइज़ क्या है, 5 MB है। आप फ़ोन ख़रीदने जाते हो, उसमें बोलते हो कितना मेमोरी है भाई, तो बोलते हैं 8 GB इसकी इंटरनल है। तो ये 8 GB का मतलब जानते हो, 1024 MB होता है 1 GB में, आपको 1 GB डेटा मिलता है, मतलब 1024 MB डेटा मिलता है। अरे जी बाबू, ऐसे जैसे आप चीनी ख़रीदने जाते हो, अगर आधा किलो ख़रीदते हो तो आपको कितना मिलता है, 500 ग्राम मिलता है ना, 500 ग्राम को आप क्या बोलते हो, आधा किलो बोलते हो। तो बस वैसे ही इसका मतलब होता है, छोटा बड़ा मात्रक होते हैं। लेकिन ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं सामान्य विज्ञान की तरह पर, और जो लोग CCC या O-level करना चाहते हैं कंप्यूटर, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि ये क्या है, कंप्यूटर कंपनी है। IBM आपने सुना होगा, इसके बहुत सारे उपकरण आते हैं, है ना। अगला, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। मुख्य पृष्ठ का मतलब जिस पर आप कंप्यूटर पर कोई चीज़ें देख सकते हो, जैसे आपने गाना प्ले कर दिया तो गाना कहाँ तक प्ले हुआ है, कौन सा नाम है उसका, कजरारे है कि कोई और है, तो उसका जो नाम वगैरह है वो कहाँ दिखेगा, मुख्य पृष्ठ पर ही तो दिखेगा ना। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई,
DOS और विंडोज़ एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपने देखा होगा OS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे आप कहते हैं आपका विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार से। ऐसे कि जैसे कोई जो है काम का जिम्मा कोई कंपनी ले ले, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर आपके यहाँ पुल बन रहा है, ऊपर ओवर ब्रिज बन रहा है, तो ओवर ब्रिज को जो है कोई प्राइवेट लिमिटेड इंजीनियरिंग कंपनी उसका ठेका ले लेती है कि भाई मैं पुल बना के दूंगा आपको पूरा कंप्लीट करके। तो पुल क्या है? पुल उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मतलब उसको ऑपरेट करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि ठीक ना, उसको मैनेज करेगा, उसकी सिक्योरिटी और उसके बनाने का पूरा जिम्मा लेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यहीं से होता है। तो साथियों, ये आपका दूसरा भाग है जो आप देख रहे हो, आगे देखना और पूरा देखना, भागना मत बीच में। अगला जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर पूछा जाता है। इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको बता दूँ इतना कि एक ऐसा डिवाइस जिससे आप कोई चीज़ कंप्यूटर को देते हो वो इनपुट होता है, और जो उससे आप प्राप्त करते हो वो आउटपुट होता है। जैसे मैं आपको एक आसान भाषा में बता दूँ, अगर आप आटा से रोटी बनाते हो, ठीक है, तो आटा आपने सूखा आटा लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है, उसको गूँथा, तो गूँथने के बाद क्या हो गया आपका, वो एक गीला आटा बन गया। उसके बाद उसको आपने तवे पर रखा और तवे पर पकाया, थोड़ा देर पकाने के बाद आपको क्या मिल गया, रोटी मिल गई। तो रोटी क्या है? ये आउटपुट है, ठीक है, रोटी क्या है? आउटपुट है। लेकिन आपने गीला आटा पका, मतलब गूँथ करके तवे के ऊपर रखा, तो गीला आटा क्या था? वही इनपुट था, ठीक ना। तो उसी प्रकार का ये भी होता है, जैसे आपने उस पर लिखा कंप्यूटर स्क्रीन पर pvrstudy.com, ठीक है, pvrstudy.com लिखा और उसके बाद सर्च किया, तो आपको pvrstudy के सारे वीडियोज आ गए, यूट्यूब पर दिखने लगे फटाफट। तो जो वीडियो मिले वो क्या है? वो आउटपुट है। जो आपने pvrstudy लिखा वो क्या था? इनपुट था। तो आप ये इनपुट कैसे दोगे, किस चीज़ से दोगे? माउस की सहायता से देंगे और कीबोर्ड की सहायता से देंगे, जॉयस्टिक की सहायता से देंगे, स्कैनर की सहायता से, तथा लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर आउटपुट की बात करें, तो देखिए अगर आप कोई चीज़ टाइपिंग करते हो, कोई चीज़ छापते हो, तो कहाँ से निकलता है वो? आपने देखा होगा प्रिंटर से कोई चीज़ को हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके निकालते हैं, तो वो क्या होता है? जैसे आपने अपना रिजल्ट निकाला, तो क्या करेंगे? कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटर की सहायता से निकल करके आएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। स्पीकर, आपने कोई म्यूजिक बजा दिया खूब अच्छा सा, दिल ले गया परदेसी वाला, तो क्या होगा उसकी आवाज़ आपको कहाँ से सुनाई पड़ेगी? कंप्यूटर में, स्पीकर से सुनाई पड़ेगी, मतलब आपको मिल रहा है कुछ कंप्यूटर से बाहर निकल रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, अगर आपने मूवी चलाया है तो कहाँ देखोगे उसको? मॉनिटर पर तो देखोगे ना, स्क्रीन पर ही तो देखोगे। तो ये इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइस का फंडा था। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है, इसको तो आपको हमने बहुत पहले बता दिया, जिसे आप इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह सकते हो। उच्च स्तरीय भाषा में इसको जो है वो क्या कहा जाता है? रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। क्या होता है, ध्यान से समझना फिर से एक बार से, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनरी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। क्या है? कोबोल है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोरट्रान है। क्या है? फोरट्रान है। उसके आगे देखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया था, और इसके अलावा फोरट्रान, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। उसके नीचे अगर बात करें, इसमें आपको दिखाएं मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड मतलब वही जानते हो जैसे कंप्यूटर ख़राब हो जाता है एकदम से, तो कहते हैं इस कंप्यूटर का मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड में उसी में सारे तामझाम लगे होते हैं। अगर आप कंप्यूटर खोल के देखोगे तो छोटा सा, मोटा सा, काला सा, नीला सा, पीला सा, बहुत सारे छोटे छोटे लगे होते हैं ना डिवाइस, तो जो कुछ भी तामझाम बनता है वो किस में बनता है? मदरबोर्ड में बनता है, बस इतना जान लो, ठीक है। मदरबोर्ड मतलब, अब मदर मतलब समझ गए माता, है ना, सब कुछ उसी में होता है। इसके अलावा साथियों, आपने देखा होगा मूवी में, पिक्चर में देखा होगा, कभी कभी अगर कोई महत्वपूर्ण लड़ाई होती है उसमें हार्ड डिस्क की चोरी छीना झपटी होती है, भाई हार्ड डिस्क चुरा लो, है ना। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है? कंप्यूटर का सारा डेटा होता है। जैसे कोई कांड हुआ है, उसका आपने वीडियो रखा है, उसका आपने फोटो रखा है, अगर कोई आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल लिया, इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड डिस्क निकालने के बाद फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, एकदम जीरो हो गया, कंप्यूटर ख़राब हो गया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं एक प्रकार से, ठीक है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। इस समय आपके पास डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं, है ना। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। किस में बदलता है? यंत्र भाषा में बदलता है। इसके अलावा कुछ और भी आंसर देख लीजिएगा। क्रे क्या है? क्रे मतलब सुपर कंप्यूटर है,
टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? वो है तृतीय पीढ़ी। कौन सा उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? वो है पीडीए। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर दो प्रकार का होता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक ना। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जैसे आपने कोई चीज़ टाइप कर लिया, टाइप करके रेडी कर लिया उसको प्रिंट करने के लिए, तो क्या हो गया? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बन गया। लेकिन अगर आपने उसे प्रिंट करके बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया? वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। तो मतलब इस तरह से समझना साथियों, आज का ये दूसरा भाग भी यहीं पर ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आपने कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, अंत में देखिएगा, इस वीडियो के आपको जरूर मिल जाएगा और कंप्लीट मिलेगा, इसलिए पूरा देखना। चलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।